नमस्कार, स्वागत है न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ रीति मिश्रा। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। बाराबंकी जिले में बीजेपी की नामांकन रैली के दौरान जाम के करीब आधा घंटे तक एक एम्बुलेंस फंसी रही। बाराबंकी से बहराई जाने वाली सड़क पर करीब आधे घंटे से अधिक समय तक जाम लगा हुआ था, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी रही। वहीं जाम में फंसी एम्बुलेंस लगातार सायरन दे रही थी, लेकिन जाम इतना भीषण था कि एम्बुलेंस का निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि बाद में जाम हटने पर मरीज किसी तरह अस्पताल पहुंच पाए। बता दें कि नामांकन रैली के दौरान भीषण जाम लगा था, जिसमें आधे घंटे से ज्यादा समय तक एक एम्बुलेंस फंसी रही। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बाराबंकी से सतीश कश्यप जुड़ चुके हैं। सतीश, सियासी जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई बाराबंकी में, क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या पूरी तरीके से विफल थी रैली के दौरान? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जाता है कि कभी राजनीतिक पार्टियों की जो रैली होती है, जुलूस निकलता है, तो वहाँ पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो कार्यक्रम में लगे जो भी कार्यकर्ता हो, इतना खास ध्यान नहीं होता, इतनी व्यवस्था भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से भीड़ जुटती है उसके बाद जो है ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है बिगड़ जाती है। ऐसा ही ये हुआ जब नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे जब अपनी रैली जुलूस लेके निकले, उस दौरान जो है तमाम लंबा जो है जाम सड़क पे देखने मिला। उस दौरान दो तीन एम्बुलेंस भी जो उसमें फंसी हुई थी, एक एम्बुलेंस थी जो दरियाबाद क्षेत्र से बाराबंकी हॉस्पिटल के लिए जो ट्रामा सेंटर है वहाँ एक मरीज को लेके आ रही थी, वो आधे घंटे फंसी रही, लगातार वो सायरन देती रही, लेकिन जो इनकी रैली थी, जो जाम में फंसे वाहन थे उसके बीच में फंसी रही। तो कहीं कहीं आप देखिए कि जिस तरह से व्यवस्था होती है वो चरमरा जाती है। राजनीतिक चाहे जितना जो भी हो, पार्टी चाहे बीजेपी हो, कोई भी कहता रहता है कि हम दिखावा नहीं करते, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें में कितनी लंबी जाम है, जाम के साथ साथ जितना जो जुलूस निकल रहा है, गाजे बाजे के साथ लोग डांस करते हुए, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जिस तरह से ये पूरा जो है कार्यक्रम चलता है, और ये कार्यक्रम जो है उन मरीजों के लिए, उन एम्बुलेंस के लिए और तमाम सारे लोगों के लिए पीड़ादायक है। जी सतीश, बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या ये जो रैली थी एक मरीज की जान से ज्यादा अहम थी, और अगर उस मरीज को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? बहरहाल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।